Bismillahir Rahmanir Raheem. Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing well. Your major course in painting is thesis for which the course code is FINE4125. I am Sanarslan Slan from University of Education, Lower Mall campus. And I will give you some work. As you know, your thesis is. उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल वर्क इंक्लूडेड है और आप उसके अंदर कन्सैपचुअल पेंटिंग्स के ऊपर काम करेंगे और उससे रिलेटेड आपको जो मैंने पहले लेक्चर्स दिए हैं जिनके अंदर कलर डिस्कस किया गया है एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं मैंने आपसे प्रिंसिपल्स डिस्कस किए हैं उसके अलावा इस्थैटिक सेंसेस कन्सैपचुअल आर्ट रियलिस्टिक आर्ट एबस्ट्रैक्ट आर्ट नॉन रिप्रेजेंटेशनल आर्ट इन सारी चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए जो भी आपको लेक्चर्स दिए गए हैं उन सारी चीज़ों को आप मद्द नज़र रखिए और उसके साथ आप अपनी कन्सेपचुअल पेंटिंग्स के ऊपर काम करें तो आपका जो प्रैक्टिकल है उसमें आप जो कन्सेपच्चुअल आर्ट वर्क क्रिएट करेंगे वो आपने मुझे शो करना होगा ज्यूरिंग द क्लास और उसके बाद जब आपका वो कम्प्लीट होगा आई विल गिव यू द टाइम और उस टाइम के अंदर आपने उसको सबमिट करना होगा इन गूगल तो so, सबसे पहले बात करूँगी मैं आपकी कोर्स आउटलाइन के बारे में तो थीसिस शुड रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क तो जो थीसिस है उसमें इट्स इट रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट बॉडी और इसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क को शो किया जाता है आपका ये वर्क जो है वो आप कहीं से इसको कॉपी पे कॉपी नहीं कर सकते कहीं से आप इसकी कोई नकल नहीं बना सकते बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट क्रिएटिव वर्क होगा इन अ सेंस के अगर आप कोई ऑब्जेक्ट देख के भी बना रहे हैं तो उसका कोई सिंबॉलिक मीनिंग आपके लिहाज से डिफरेंट होगा उसके पीछे कोई कॉन्सेप्ट होगा uh, मतलब अगर ऑब्जेक्ट से मुराद मिली है कि फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल बना रहे हैं ठीक है तो अगर तो आपने मेरे लिए एक एप्पल बनाया है तो ऑफकोर्स उसका कोई मीनिंग नहीं है तो आप उसको एज अ कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग नहीं प्रजेंट कर सकते बट अगर आपने उसको कहीं किसी मीनिंग के साथ यूज़ किया है मे बी विद अ फिगर यूज़ किया है मे बी विद सम समेपटेशन और विद कलर चेंज और विद सम स्टिल लाइफ तो दैट्स दैट्स अप टू यू कि आप उसको किस तरह से अपनी कॉन्सेप्चुअल आर्ट पीस के अंदर प्रजेंट करते हैं स्टूडेंट्स विल भी फ्री टू चूज एनी टॉपिक ऑफ़ पेंटिंग अब स्टूडेंट फ्री होंगे और उनको वो कोई सा भी जो है वह अपना टॉपिक ले सकते हैं एज यू नो द स्टूडेंट विल एक्सप्लेन एंड डिफेंड द कन्सेपच्चुअल फ्रेम वर्क इन प्रोसेस ऑफ द मेजर थीसिस वर्क एज वेल एज द प्रोजेक्ट आउटकम असाइनमेंट आपकी जो है वो जो वर्क मैं आज आपको साइन करूँगी वो ये है कि आपने एक कन्सेपचुअल पेंटिंग बनानी है और उसके ऊपर आपने टेन मिनट्स की एक्सप्लेनेशन देनी है और अपने कॉन्सेप्चुअल आर्ट वर्क को डिफेंड करना है सो so, आप एक पेंटिंग कॉन्सेप्चुअल पेंटिंग और उस पर टेन मिनट्स का जो है वो अपना एक्सप्लेनेशन और डिफेंड आप उसको करेंगे ड्यूरिंग दैट वो आपने जो है वो मुझे प्रजेंट करना है इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट पोट्रे योर थिंकिंग प्रोसेस वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स कैन बी यूज अब कॉन्सेप्ट कैसे इंपॉर्टेंट है तो कॉन्सेप्ट के जरिए आप अपना थिंकिंग प्रोसेस पोर्ट्रे कर सकते हैं आप जो भी सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में जो भी आपके इमोशंस हैं जो भी आपकी फीलिंग्स हैं वो सारी आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है किसी बारे में वो सारा आप कॉन्सेप्ट के जरिए प्रेजेंट करेंगे आपका जो आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है आपकी जो पेंटिंग्स हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है वही बताएगा आपके वर्क के बारे में वाइड रेंज ऑफ मटीरियल्स कैन बी यूज आप कोई भी मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं यू आर फ्री टू डू डैट आप मिक्स मीडिया यूज़ करें आप इंस्टॉलेशंस प्रेजेंट करें साथ आप वीडियोग्राफी में काम करें आप किसी भी तरह से आप अपना काम जो है वो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग होना चाहिए उसके अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस शामिल हो सकती हैं इस्थेटिकली अपीलिंग होना चाहिए एस्थेटिक्स में आपसे जो है वो मेरे जो है वो पहले एक लेक्चर में बहुत तफसील से बात हो चुकी है और होपफुली आपको याद भी होगा और आप जो है वो अपनी पेंटिंग्स में ये कोशिश कीजिएगा कि वो इस्थेटिकली अपीलिंग हो और वो खूबसूरत लगें डिवेलपमेंट ऑफ योर प्रोजेक्ट आइडिया बेस्ड आपने पेंटिंग्स बनानी है अपने बारे में अपने जहन में आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आर्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं बेसिक एलिमेंट्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स को जहन में रखें लाइन कलर चोर इफेक्ट है बैलेंस है हारमोनी है सिमेट्रिकल बैलेंस और सिमेट्रिकल बैलेंस उन सारी चीज़ों को मद्दनज़र रखते हुए आपने अपने पेंटिंग के ऊपर जो है वो काम करना है आप फुल डेडिकेटेड होकर पेंटिंग कीजिए इंटरेस्ट के साथ कीजिए और इस्थेटिक सेंसेस को बरोए कार लाते हुए अच्छा वर्क प्रेजेंट करें अब प्रोसेस वर्क एंड पेंटिंग्स अब आपका जो प्रोसेस वर्क है आप ऑलरेडी यू आर वर्किंग ऑन सम ऑफ़ द स्केचेस, आप में से कुछ लोगों ने मुझे स्केचेस चेक करवाए हैं यू हैव डिस्कस्ड इट विद मी बट अब नाउ फॉर दैट टाइम आई विल से दैट यू शुड कंप्लीट देम बाय ऑल द मीन्स एज आई हैव सेड इट टू यू अर्यर आल्सो कि आप इसको कंप्लीट कीजिए सो नाउ दिस इज़ द टाइम व्हेन यू हैव टू सबमिट इट सो कंप्लीट देम बाय ऑल द मीन्स सबमिट द पेंटेड प्रोसेस वर्क आपने जो मुझे प्रोसेस वर्क सबमिट करवाना है गूगल क्लास वो आपका पेंटेड होगा एक प्रॉपर पेंटेड वर्क होगा जो आप प्रेजेंट करेंगे एंड अलोंग विद वन पेंटिंग उसके साथ में आपने अपनी एक वन पेंटिंग भी सबमिट करवानी है कि आप किस तरह का काम जो है वो उसके ऊपर कर रहे हैं सो दिस इज़ अबाउट टू डेज़ वर्क और इसमें अब आप ये है कि चूँकि जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड हमारा सारा काम ज़्यादा काम है तो बाकी की क्लास जो है वो हम ज़ूम पर करेंगे और आप जो है वो जूम का सेशन जो लिंक मैंने आपसे शेयर करूँगी वो आप जॉइन कीजिए और अपना मटीरियल ऑलरेडी प्रिपेयर रखिए और डूरिंग द्लास टाइमिंग्स आप उसके ऊपर काम शुरू कर दें Uh, जो भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड होगी आई विल टेल यू अबाउट दैट और चूँकि आप मेरे सामने काम कर रहे होंगे तो इट विल बी ईजी एंड कन्वीनियंट कि आप मुझसे जो क्वेश्चन भी चाहें पूछ सकते हैंगे अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ ऐसा ऐसी ज़रूरत पड़े कि आपको आ, कोई रिसर्च करनी है या कोई चीज़ आप जो है वो आ, उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो यू कैन टेक सम टाइम और आप उसको ऐड कर सकते हैं बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप ज्यूरिंग द क्लास टेन ज़रूर काम कीजिए सो सो योर असाइनमेंट इज़ टू सबमिट वन कंसेपचुअल पेंटिंग और उसके ऊपर टेन मिनट्स की एक्सप्लेनेशन एंड डिफेंड एंड योर प्रीवियस वर्क इज़ अबाउट टू ऑफ द जो आपके प्रोसेस वर्क्स हैं वो ठीक है तो जो है वो होपफुली जो है वो यू आर रेडी टू डू योर वर्क सो सी यू ड्यूरिंग द जूम मीट सेशन एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक और अगर आपने कोई भी क्वेश्चन करना है और या कोई भी बात आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जो है वो क्वेश्चन भेज दीजिए आई विल आंसर एंड ट्राई टू बी मोटिवेट जब भी आपने काम करना है अपना पेंटिंग का तो यू शुड बी डेडिकेटेड इनाफ़ यू शुड बी इंट्रस्टेड टूवर्ड्स यूर आर्ट पीस और आपके जो है वो उससे रिलेटेड जो भी आप उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं अगर आपकी ज़ात से रिलेटेड है कहीं ना कहीं जो भी अगर कोई सोशल इशू है और वो आपको भी हर्ट करता है तो आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे जिस पेंटिंग में आपकी इन्वॉमेंट ज़्यादा होगी उसमें आप काम भी ज़्यादा अच्छा करेंगे क्योंकि आपकी डेडिकेशन होगी आप चाहेंगे कि आपको पता जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई इंसान अपने एग्रेशन को शो करता है तो वो बेहतर जानता है कि उसे एग्रेशन की वजह से उसको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो बेहतर जानता है कि एग्रेशन के दौरान किस किस्म की फ़ीलिंग्स होती हैं उसकी उसके इमोशंस कैसे हाई होते हैं तो उस एग्रेशन uh, को शो करने के लिए प्रोबेबली जो है वो डार्क रेड कलर्स का इस्तेमाल किया जाए उसमें बहुत डार्क ब्लूज़ इस्तेमाल किए जाएँ मेरून कलर्स का इस्तेमाल किया जाए इसी तरह अगर कोई और शख्स है जो कि किसी और आ, थीम के ऊपर काम कर रहा है फॉर एग्जांपल कोई ऐसा मौजू है जिसमें कोई सेंसिटिव चीज़ का जिक्र किया गया है या कोई ऐसा सेंसिटिव इशू है जिसमें ज़्यादा बोल्ड कलर्स की ज़रूरत नहीं है तो वहाँ पे शायद पेस्टल कलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा अब उनमें से भी यू नीड टू डू अ सिलेक्शन कि आपको जो है वो कूल कलर पैलेट की तरफ़ जाना है या आपको वार्म कलर पैलेट की तरफ जाना है सो so, जो जो कलर पैलेट है वो एकदम से उसके ऊपर इनहेंस होना शुरू हो जाती है बट डैट डजन मीन के ब्लूज़ में ऐसा नहीं होगा आपको जो है वो सबसे पहले जो आपकी आ, आपकी आइडियोलॉजी है जो आपका आइडिया है टू मेक द पेंटिंग्स उसके बारे में यू शुड बी कन्फर्म्ड अबाउट इट और आपको उसके बारे में जो है वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको कि जो मैं बना रहा हूँ यस आई वॉन्ट टू मेक दैट एंड आई नो अ लॉट अबाउट इट जब भी आप अपना कोई भी थीम सिलेक्ट करते हैं तो मेक इट श्योर ऑल्सो कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो आपकी रेंज में है या नहीं है रेंज से मेरी मुराद यहाँ ये यह है कि क्या आप उसकी इजिली डिपिक्शन कर सकते हैं अगर उसके अंदर किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का बनाना ज़रूरी है तो क्या वो ऑब्जेक्ट इस तरह का है कि आप बाहर हाँ जाकर उसको देख सकें और अपनी पेंटिंग्स में बनाएं या फिर आप उसकी फ़ोटोग्राफ लेंगे और फिर उसके ऊपर काम करेंगे सो बिफोर स्टार्टिंग द पेंटिंग आप अपने प्रोसेस वर्क के अंदर इन सारे uh, जो है वो मसाइल को देख लीजिए इनका सोल्यूशन तलाश कर लीजिए और उसके बाद अपनी पेंटिंग पे काम शुरू करें और ड्यूरिंग uh, क्लास जो है वो आप इसके ऊपर काम करेंगे एंड आई विल आल्सो गिव यू वन वीक टू कंप्लीट दैट पेंटिंग एंड यू विल सबमिट इट इन द नेक्स्ट क्लास टिल देन जो है वो अपना ख्याल रखिएगा और जो है वो जॉइंट सेशन असलकुम